Hello friends, welcome to my channel. This is Ajay and you are watching Government Jobs Analysis. तो friends, आज का मेरा main motive video बनाने का ये है कि जो SSC GD Constable जो हाल ही में अभी आने ही वाला है, कुछ समय में आने वाला है, इतना confirm हो गया है कि आएगा 100% आएगा, लेकिन डेट जो हो सकती है वो 3-4 दिन ऊपर नीचे या 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकती है. लेकिन दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, 100% आएगा आएगा आएगा, ठीक है. डेट कंफर्म नहीं हो रही थी दोस्तों, थोड़ा बहुत परेशानी झेल रही थी SSC के ऑफिशियल्स. तो दोस्तों, आज का मेरा मेन टॉपिक रहेगा सिर्फ SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 का कट ऑफ के ऊपर, और ये सिर्फ वीडियो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेरी बहनों के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले मैं अगर आपको सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बताऊं कि जैसे कि अगर 2015 की बात करें, तो उस समय की जो कट ऑफ थी 2015 की, CRPF में 1965 वैकेंसी थी, BSF में 4819 थी, SSB में 605 वैकेंसी थी, CISF में 507 वैकेंसी थी, ITBP में 306 वैकेंसी थी, AR में 300 थी, SSF में 27 थी और NIE में 4 थी, ठीक है. तो कुल मिला के दोस्तों वैकेंसी थी उस समय 8733, ठीक है. उसमें से UR की जो कट ऑफ गई थी CRPF में लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए 68 गई थी, OBC की 64 गई थी, SC के लिए 55 थी और ST के लिए 50 थी. तो मेरी बहनों, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सबसे कम आपकी गई थी CRPF में, उसके बाद में गई थी BSF के लिए, ठीक है. उसके बाद गई थी, सबसे कम कट ऑफ गई थी SSB के लिए और उसके बाद ITBP के लिए. ये 4 डिपार्टमेंट में मेरी बहनें अप्लाई कर सकती हैं. अगर मेरी बहनों को जॉब चाहिए तो इसको पक्का अप्लाई करें, आपको 100% जॉब लग जाएगा, क्योंकि ये कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है इन डिपार्टमेंट में, ठीक है बहनों. और अगर कोई मेरी बहन चाहती है कि अच्छी अच्छी हमें डिपार्टमेंट मिले, अच्छा बढ़िया डिपार्टमेंट मिले, तो एक रहेगा CISF, एक रहेगा SSF, AR और NIE. NIE सबसे टॉप क्लास का डिपार्टमेंट है दोस्त बहनों, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें आपकी ब्लैक ड्रेस रहेगी, ठीक है. CISF भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये चेकिंग का डिपार्टमेंट होता है. जैसे कि मेरा आपको पता होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पर जो चेकिंग के लिए होते हैं, खड़े होते हैं मेरे भाई बंधु, तो वो CISF में आता है. जितने भी पब्लिक पब्लिक जितना भी अंडरटेकिंग है दोस्तों, उनके लिए चेकिंग के लिए CISF में काम होता है, ठीक है. तो उस समय की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 87, ये गई थी बहनों NIA में, ठीक है. तो उस समय के वैकेंसी के हिसाब से NIA में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ इस बार की वैकेंसी जो 2018 में आनी है, अगर आप अप्रोक्सीमेटली लगाइए 60,000 वैकेंसी अगर आएगी बहनों, तो कम से कम भी उसमें से आपको मिल जाएगी 10 से 11-12 हज़ार वैकेंसी, ठीक है. तो उस हिसाब से कट ऑफ इस बार जाने वाली है, जो सबसे बेस्ट जाएगी बहनों वो जाएगी NIA में, SSF में और असम राइफल में, ये सब और CISF में, ये 4 डिपार्टमेंट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, हर बार जाती है, क्योंकि इनकी वैकेंसी पे कम रहती है और इनका इनका जो कैटेगरी जॉब वगैरह जो है बहुत बढ़िया है, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है. ज़्यादा काम लोड नहीं होता. और मेरी बहनें जो चाहती हैं कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी, हमें बॉर्डर पे सेवा करनी है, हमारे देश की रक्षा करनी है, तो वो BSF में जा सकती हैं. BSF बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बहनों, ऐसा बात नहीं है, ठीक है. तो आज का जो इस बार जो 2018 में जो कट ऑफ जाने वाली बहनों, वो सबसे ज़्यादा जाएगी NIE में, SSF और AR में. उस समय 87 गई थी, तो बहनों इस समय आपकी लगभग जा सकती है 89 to 91, ठीक है. ये मैं आपको बताऊं क्यों, दो तीन नंबर ऊपर क्यों जाएगी बहनों, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा सकती है वैकेंसी. हो सकता है कि उस समय 8,000 थी, इस समय हो सकता है 12,000 चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से बहनों इसकी वैकेंसी नहीं निकल रही है. तो मैं तो आपको ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस बार तो कन्फर्म हो चुका है कि आना ही आना है, लेकिन हो सकता है 15-20 दिन कुछ समय आपका लग जाए, क्योंकि डिले हो रहा था, पर इतना कन्फर्म है कि आना ही आना है, ठीक है. आपको नौकरी 100% मिल के रहेगी मेरा, आप मुझे अपने भाई की तरह समझें, ठीक है. तो इस समय 89 to 91 जाएगी NIA के लिए, ठीक है, और आपकी जाएगी 86 to 88 के बीच में जाएगी आपका SSF के लिए, ठीक है. और आपकी असम राइफ़ल के लिए जाने वाली है इस बार 83 से 85, ठीक है बहनों, ये आपकी जाएगी असम राइफ़ल में, ठीक है. और बहनों मैं अगली बात करूं तो CISF में इस बार जा सकती है आपकी 82 से 84, ठीक है. इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार, वैकेंसी मेरी बहनों के लिए भी काफ़ी होगी एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स के लिए. तो आप बेझिझक भरें, जैसे ही फॉर्म निकलता है मैं तो कहूँगा आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, ठीक है. क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं,
कितने अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि साइट बिजी होता है तो हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता, अगर अप्लाई हो जाए तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। इसलिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे ही फॉर्म निकला, जैसे ही आपको पता चल गया कि अभी 15 सेकेंड हुआ है फॉर्म निकलने का, तो आप उसके 15 से 20 सेकेंड बाद भर दें, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही था कि जो फीमेल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता सकूँगा 2018 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहनों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से संतुष्टि मिली हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए कमेंट करें, आपका मैं कमेंट का जवाब 100% दूंगा, ठीक है दोस्त बहनों। तो फ्रेंड्स, डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।